हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी मांसपेशियों में अचानक दर्द होता है, टांगों में ऐंठन रहती है या फिर टांगों मांसपेशियों में खिंचाव रहता है? कई बार रात को लोगों को सोते समय, जागते समय मांसपेशियों में बहुत ऐंठन होती है। वैसे ये शरीर के किसी भी भाग में दर्द व ऐंठन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में टांगों में महसूस होती है। लोग इस ऐंठन से बचने के लिए अपनी टांगों पर कोई ना कोई कपड़ा बांधते हैं या फिर हाथों से टांगों को दबाते हैं ताकि इस दर्द को दूर किया जा सके। जब हमारे शरीर की मांसपेशियों में सिकुड़न या जकड़न आ जाती है तो उस भाग पर खून का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिस कारण उस भाग पर मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन, खिंचाव महसूस होने लगता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और इस वीडियो में जानते हैं मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन होने के घरेलू उपाय के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो सबसे पहले क्या करें, पानी की कमी शरीर में ना होने दें, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई तो हमारे द्वारा खाया गया नमक हमारे शरीर में ही इकट्ठा रह जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोजन में ऊपर से नमक डालकर खाते हैं, तो वो ज्यादा नमक कम पानी होने के कारण बाहर नहीं निकल पाता और शरीर में ही इकट्ठा हो जाता है। अगर कम पानी पिएंगे तो सोडियम हमारे शरीर में ही रुकने लग जाएगा, जो हमारी मांसपेशियों के दर्द का कारण बनेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह सोकर उठते हैं तो हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, तो ये शरीर में नमक के ज्यादा होने के कारण ही होता है। क्योंकि रात को खाने के साथ सोडियम ज्यादा खाया गया और सो गए, पानी कम पिया, इसलिए सोडियम शरीर में ही रह गया, उस कारण सूजन आ जाती है। इसलिए आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। शरीर में मांसपेशियों में दर्द ऐंठन का कारण हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स की कमी भी होती है, और वे मिनरल्स कौन से हैं? सब लोगों को एक ही लगता है कि हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए तो मांसपेशियों और मसल्स में दर्द होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये चार मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी कमी से मसल पेन होता है, लेकिन नर्व पेन जो होता है वे विटामिन B12 की कमी से होता है। हमारे शरीर को पूरे दिन में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, पोटेशियम 4.7 मिलीग्राम चाहिए, मैग्नीशियम 400 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम चाहिए होता है, और विटामिन B12 एक ऐसा मिनरल है जो हमें रोज चाहिए, ये हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं रहता। तो जान लेते हैं कि इन सारी चीजों को हम कैसे पूरा करें। तो विटामिन ई की कमी को कैसे पूरा करें, विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए बादाम खाएं। गर्मियों में 7 से 8 बादाम रात को भिगो कर रख दें और सुबह खा लें। कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें, इसके लिए आपने क्रीम वाला दूध पीना है। आप दूध में गुड़ डालकर ले सकते हैं, दूध में हल्दी डालकर ले सकते हैं, गुड़ के साथ चने ले सकते हैं, ये कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को कैसे पूरा करें, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपने केला खाना है। पका हुआ केला ही खाएं, कच्चा केला नहीं। चुकंदर, तरबूज, नारियल पानी का सेवन करें। जो लोग जिम जाते हैं उन्हें अपने मसल बनाने होते हैं, तो जब वे व्यायाम करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है, तो उनको केला खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए। मसल दर्द को दूर करने के लिए केला खाना बहुत फायदेमंद है। जो लोग रात को दूध पीते हैं तो उसके अंदर अगर घर का देसी घी डालकर पीते हैं तो उनको मसल दर्द कभी नहीं होगा। अगर आपके शरीर में वात या वायु बनती है या आपको लगता है दूध पचता नहीं है, तो दूध में काली मिर्च, 1 चम्मच देसी घी और गुड़, इन तीनों को दूध में डालकर पी लें। साथ ही आंवला जूस लें। आंवला जूस पीना बहुत फायदेमंद है। आंवला जूस आंखों की रोशनी, पेट की दर्द आदि समस्याओं के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन जिनको भी मांसपेशियों में दर्द रहता है उन्हें आंवले के जूस का रोजाना सेवन करना चाहिए। ये इम्यूनिटी पावर को तो बूस्ट करता ही है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। आंवले का पाउडर बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं, अचार बनाकर भी खा सकते हैं, मुरब्बा भी ले सकते हैं, आंवला जूस को शहद के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। साथ ही पालक, दूध, दही का सेवन ज्यादा करें। फ्रेंड्स, नर्व पेन, मसल पेन में मालिश कैसे करें, नहाए
खाने के 15 मिनट बाद अपने मसल व शरीर पर तेल की मालिश करनी है। मालिश करने से ऐंठन और दर्द दूर हो जाता है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हमें नहाने के बाद मालिश क्यों करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप नहाने के बाद मालिश करते हैं तो नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उससे आसानी से तेल शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि ऐंठन और दर्द को दूर करता है। आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। आप सरसों के तेल का उपयोग कर रही हैं तो उसके अंदर अजवाइन और लहसुन को डालकर फिर उस तेल का इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी से सिकाई भी इसमें लाभदायक है। आप गुनगुने पानी से उस भाग की सिकाई कीजिए जिस भाग में दर्द या ऐंठन है। इस पानी में अगर आप सेंधा नमक या एप्पल साइडर विनेगर डालकर भी इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे दोगुने मिलेंगे। साथ ही कुछ योगा एक्सरसाइज करें। योगा करने से हमारे शरीर में स्ट्रेचिंग होती है, लचीलापन आता है, ऐंठन दूर होती है। लेकिन जिनकी भी मांसपेशियों में दर्द रहता है उन्हें योगा या व्यायाम बहुत जोर लगाकर नहीं करना है, क्योंकि उनको पहले से ही ऐंठन है और वो जोर लगाकर योगा या व्यायाम करेंगे तो दर्द बढ़ सकती है। क्या ना करें? कम से कम नमक का सेवन करें। अगर नमक का सेवन ज्यादा करते हैं तो हार्ट हाई बीपी की समस्याएं भी हो जाती हैं। जिनको भी मांसपेशियों का दर्द है उन्हें खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी मांसपेशियों के दर्द व ऐंठन को ठीक करने के घरेलू उपायों के बारे में। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।